हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को किया जाता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की पूजन विधि और कथा। वरुथनी एकादशी की पूजन विधि क्या है? सबसे पहले दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जा सकता है, पहला निर्जला रहकर, दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर यदि आपके घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। यदि घर से दूर है तो तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः के मंत्र का जप करते रहें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। यह व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। तो आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी कथा क्या है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पेट चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पेट चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। दया भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।